हेलो एवरीवन, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन ते। अज दी इस वीडियो दे विच आपां मिलान चिन्ह दे बारे डिस्कस करांगे, क्योंकि पंजाब बोर्ड दे विच एक ऑप्शन आउंदा है मिलान चिन्ह वाले अपने कोल क्वेश्चन आउंदे जो चार नंबर दे हुंदे आ। चार क्वेश्चन हुंदे आ, चार आपां मिलान चिन्ह करने हुंदे आ, चार नंबर दे हुंदे आ। इंपोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जे तुसीं वधिया मार्क्स लैणे आ तुहानूं हरेक चीज़ कवर करनी पएगी, चाहे वह खाली थावां होण, चाहे वह गलत सही होण, चाहे वह की है मतलब फिलिंग दूजे होण, एम सी क्यू होण या मिलान चिन्ह होण या सिंपल क्वेश्चन होण, तां तुहानूं सारा कुछ करना पएगा। वीडियो नूं एंड तक जरूर देखियो, जे साडी कोशिश पसंद आवे तां वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर करियो। तां स्टार्ट करदे आपां। सब तो पहला जो मिलान चिन्ह है वो अपने कोल की है, अंक गणितक लड़ियां, मतलब ए पी वाले चैप्टर चों है। हुण देखो इहदे विच की करांगे आपां। पहला क्वेश्चन है माइनस एक बटा दो, माइनस एक बटा दो, माइनस एक बटा दो। सांझा अंतर पता करना, देखो सारे इक्को जिहे आ तां सांझा अंतर किहड़ा आएगा इहदे विच, जीरो, मतलब एक का किन्ने नाल होएगा, डी नाल। अगला आपां सांझा अंतर फिर पता करना है, पंज दो पंज बटा दो, तीन सत्त बटा दो। तो आपां सांझा अंतर किवें पता करदे आ, दूजे दे विचों पहले नूं माइनस करना। तो इत्थे आपां एलसीएम लाँगे, लघुत्तम लाँगे, लघुत्तम किन्ना आया, दो। क्रॉस करो, एक नूं पंज नाल कीता, पंज दो दूनी चार। तो जे आपां माइनस करिए तां किन्ना बच गया, एक बटा दो, मतलब दूजे का किन्ना आ गया, तीन आ गया। उस तो बाद अगला थर्ड की है, एक छे ग्यारह, ये तो सीधा ही है, छे दे विचों एक माइनस करिए तो कितना रह गया, पाँच। तो मतलब ये कि आ गया ए नाल, जो बाकी बच गया वह की रह गया अपने को बी दे नाल। तो पहला पार्ट आप पूरा किया, जिंदे वे सारे मिलान चिन्ह, एक का डी नाल, दो का सी नाल, तीन का अपने को ए नाल आया, तो चार का कितने नाल आया, बी नाल। अगला जो चैप्टर है ये भी अपने को अंक गणितक लड़िया में ही है, ए पी का एनवा पद। हुण देखो एनवा पद की हुंदा, फॉर्मूला ही अपने को, यह अपने को हुंदा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। तो इहदा की आ गया अपने कोल, सी आ गया। उस तो बाद ए पी का दूसरा पद, दूसरा पद मतलब ए टू, ए टू नूं आपां की लिख दिंदे आ, ए प्लस डी। तो ए प्लस डी इहदा किहड़ा आ गया अपने कोल, डी आ गया। ए पी का पंजवां पद, पंजवां पद मतलब ए फाइव, ए फाइव कादे बराबर होएगा, ए प्लस चार डी दे, क्योंकि आपां पांच चो एक घटा के लिख दिया तो कि आ गया ए प्लस चार डी, मतलब तीजे का कि आ गया बी, तो जो बाकी बचा उनका की आ गया अपने को ए आ गया। अगला अपने को थर्ड, ये भी अपने को ए पी दे विचों है, कि अपने को मिलान चिन्ह करने दो चार अठ सोलह, दो चार अठ सोलह। देखो अपने को ए पी नहीं बनती, क्योंकि जो आप सांझा अंतर देखिए, चार दे विचों दो माइनस करिए दो आता है, जे आप अठ दे विचों चार माइनस करिए चार आता, तो ए पी नहीं बनती। तो इहदा अपने कोल आ गया डी वाला पार्ट, ए दा किन्ने नाल आ गया, डी नाल आ गया। हुण उस तो बाद माइनस दस, माइनस छे, दो माइनस दो, तो उस तो बाद दो। जे आपां सांझा अंतर देखिए, माइनस छे माइनस ऑफ माइनस दस, क्योंकि फॉर्मूले का एक माइनस हुंदा एक इहदे विच माइनस, आह वाला माइनस तो माइनस मिल के की हो गए, प्लस हो गए। तो अपने कोल कितना आ गया, दस के विचों छे कढ़े तो कितना आ गया, चार आ गया। ठीक है, ए पी है तो इहदा सांझा अंतर कितना आ गया, चार आ गया। इहदा की आ गया अपने कोल, ए। हुण सांझा अंतर, सांझा अंतर की हुंदा, ए एन प्लस एक माइनस की करांगे, ए एन नूं माइनस, मतलब दूजे दे विचों पहले नूं आपां ही करदे आ माइनस। सीधी जी गल है, दूजे दे विचों पहले नूं आपां माइनस करदे आ, तां थर्ड दा की आ गया अपने कोल, बी। जो बाकी बच गया उहदा अपने कोल आंसर की आ गया, सी आ गया। ठीक है, उस तो अगला पार्ट क्वेश्चन नंबर चार, दो घाती समीकरण है। दो घाती समीकरण दो, पहला क्वेश्चन अपने कोल, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंदे हन। दो भिन्न वास्तविक मूल कदों होंदे हन, जदों अपने कोल की है डी जीरो तो वड्डा होवे। हुण डी दा मुल किन्ना हुंदा, बी स्केयर माइनस चार ए सी, जीरो तो की होना चाहिए, वड्डा। तो पहले दा आंसर की आ गया अपने कोल, बी। दो बराबर वास्तविक मूल होंदे हन, मतलब इहदा की है, डी बराबर की हुंदा, जीरो। डी बराबर जीरो मतलब बी स्केयर माइनस चार ए सी का बराबर होना चाहिए जीरो दी। तो अपने कोल की आ गया इहदा, ए आ गया। डिस्क्रैबिनेट का फार्मूला अपने कोल की आ गया, सी आ गया, क्योंकि डी बराबर कदे हुंदा, डी का फॉर्मूला की हुंदा, बी स्केयर माइनस चार ए सी। ठीक है, तो जो बच गया थर्ड, थर्ड किन्दे नाल मिलेगा अपने कोल, डी नाल मिलेगा। उम्मीद करते हैं तुहानू सब कुछ समझ आ रहा होगा। उस तो बाद अपने कोल आ गया चैप्टर नंबर तेरह के विचों, शंकू का आयतन। शंकू का आयतन की हुंदा, एक बटा तीन पाई आर स्केयर एच, मतलब इहदा किन्दे नाल आ गया, बी नाल आ गया, बी नाल आ गया। वेलन का आयतन, वेलन मतलब आयतन की आ गया, पाई आर स्केयर एच। तो इहदा किन्दे नाल आ गया अपने कोल, सी नाल आ गया, दो दा।
अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोला इस शेप दे दिंदे आ, ये वाली शेप होंगी अर्ध गोले का आयतन, कहिंदा 2/3 πr³। तो कितना आ गया अपने कोल, डी आ गया, जो बाकी बच गया उनका की रह गया अपने कोल, ए रह गया। वक्र सतह वेलन की होंगी 2πr h। अगला क्वेश्चन छेवें दे विच की अपने कोल, शंकु की पासवीं सतह का खेत्रफल। पासवीं सतह मतलब बाहरी बाहरी साइड है, ठीक है। पासवीं सतह का की आ गया अपने कोल, πr l। कुल सतह का खेत्रफल शंकु की πr l + r, मतलब एक का बी नाल ते दो का ए नाल। अर्धगोले की वक्र सतह, वक्र सतह की होंगी अर्धगोले की अपने कोल 2πr² ते गोले की वक्र सतह की होंगी अपने कोल 4πr² ए दा बी नाल, बी दा ए नाल, सी दा डी नाल ते डी दा सी नाल। हुण अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है अपने कोल। इहदे च वी आपां कि आयतन बारे पता करना है। गोले का आयतन किहदा, गोले का आयतन होंदा 4/3 πr³, ठीक है। तो यह की आ गया अपने कोल, सी आ गया। वेलन की कुल सतह, वेलन किहड़ा होंदा, ये वाला इस तरह बनया होंदा वेलन, ठीक है। वेलन की कुल सतह की होंदी है 2πr h + r। उस तो बाद घन का आयतन, घन का आयतन की होंदा अपने कोल 3। घन की कुल सतह का खेत्रफल, घन की कुल सतह का खेत्रफल कितना होंदा 6a² क्वेश्चन नंबर 8 ते लास्ट है अपने कोल इस वीडियो का। इस की अपने कोल टैन 60 डिग्री, टैन 60 कितना होंदा 1√3, ठीक है। टैन 60 कितना होंदा 3, मतलब ए दा किंदे नाल आ गया डी नाल। टैन 30 होंदा 1/√3, ये हो गया अपने कोल आंसर नंबर सी। साइन 30, साइन 30 कितना होंदा 1/2, मतलब साइन 30 वाला की आ गया अपने कोल बी आ गया, ते साइन 60 कितना आ गया अपने कोल 3/√2। ये अपने कोल 8 क्वेश्चन, इन 8ां दे विचों एक क्वेश्चन जरूर आएगा प्री बोर्ड दे विचों। तो मंडे आपां एक होर सैंपल पेपर अपलोड करांगे। कुछ बच्चों की इनकुआरी आई सी इंग्लिश मीडियम विच भी क्वेश्चन अपलोड करो, तो इस बार आपां पंजाबी मीडियम ते इंग्लिश मीडियम नूं मिक्स करके क्वेश्चन बना रहे हैं। तो नवा सैंपल पेपर जो प्री बोर्ड ते फाइनल बोर्ड लई यूज़ किया जा सकता है, वो आपां मंडे नूं अपलोड करांगे।